स्कॉलरशिप्स मिलता था हम लोगों को बहुत सारे, ठीक है। स्कॉलरशिप्स का पैसा लगा के मैंने किया थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च, थर्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। एक कहावत है कि इंजीनियर सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। मैं अपना अगर टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट है मंथली 1 crore का रेवेन्यू जनरेट करने का फ्रॉम आवर एजेंसी। हम लोगों ने जो सबसे बड़ा क्लाइंट उठाया वो US से था, और ये भी आया है वो ही अप्रोच्ड अस, वी डिडंट अप्रोच हिम। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांडिंग के लिए कि अब अगर हम बात करें क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए कुछ टिप्स या स्ट्रेटजीज, कि क्लाइंट अगर हमारे पास आया है उसको क्लोज करना हमें। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सैमी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, ई कॉमर्स में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ई कॉमर्स के काफी सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे ये इनका जो बिजनेस है वो कैसा है, और महीने का ये आराम से 15-20 lakh रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, कुछ हमको इनसे भी जानने को मिलेगा, और कैसे हम अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सैमी कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो पॉडकास्ट विद अमित। जी जी अमित जी, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ऑल गुड ऑल गुड। सो सैमी, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए, जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि लाइक आपने कैसे ऑनलाइन स्टार्ट किया, लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर डिजिटल जर्नी। जी 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 जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से। मैं बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं सेकेंड ईयर में था, तब एक बहुत स्ट्रेंज सा हादसा हुआ मेरे लाइफ में। मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हो गया, तो ही पास्ड अवे। सो आई हैव माय मदर एंड माय सिस्टर, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया कि चलो अभी कुछ इनके लिए करना है, क्योंकि फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं थे हम लोग। तो मैं था कॉलेज के सेकेंड ईयर में, मेरे पास सेमेस्टर देने के लिए अराउंड 50,000 रुपीज पड़ा हुआ था हाथ में। तो मेरे पास दो ऑप्शन था कि मैं या तो सेमेस्टर फीस दे दूँ या फिर वो 50,000 लेके कुछ स्टार्ट कर दूँ कुछ। मतलब मेरे पास तब ध्यान में एक दो चीज़ था, तब अराउंड 2017 में दो चीज़ बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, एक हुआ अमेजोन FBA, US की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा हुआ एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने लगाया कि चलो मैं अमेजोन FBA स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पहले से मैंने ना थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके रखा था कि कैसे होता है नहीं होता है। सिर्फ कुछ चीज़ ऐसा था जो मुझे रोक रहा था स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो 50,000 सेमेस्टर फीस ना देके, हालांकि 2 महीने बाद एग्जाम था और एग्जाम से पहले फीस पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो वो पैसा मैंने लगाया फर्स्ट प्रोडक्ट में। मैंने स्टार्ट किया अमेजोन FBA। तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, एक प्रोडक्ट जो अच्छा सेल हो रहा है उसको सोर्स करते हैं कहीं से, या तो इंडिया या फिर कहीं बाहर से, और उसको सेल करते हैं अमेजोन पे, क्योंकि अमेजोन के पास ऑलरेडी कस्टमर्स है जो खरीदेंगे। मैंने 50,000 पूरा लगा दिया प्रोडक्ट के ऊपर, हालांकि मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब वो क्या हुआ, 50,000 मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा उसका कॉस्ट लग गया 800 रुपये पर प्रोडक्ट, मैंने 60 पीस खरीदा उसमें। लेकिन जिसका सेलिंग प्राइस सेल हो रहा था वो लगभग सेल हो रहा था बाकी कंपटीटर्स का 500-600 में। अब मेरा कॉस्ट ही पड़ गया ज्यादा, मैं अगर कमीशन वगैरह सब कुछ निकालू तो मेरा नेगेटिव जाएगा बहुत ज्यादा। तो मैंने ऑब्वियसली 50,000 में लॉस बहुत ज्यादा खाया, और लेकिन मैंने क्या किया, चलो लॉस तो हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिर से लॉन्च किया सेकेंड प्रोडक्ट, और सेकेंड प्रोडक्ट भी नहीं चला, सेकेंड प्रोडक्ट का पैसा भी चला गया। थर्ड प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, कुछ दोस्त वोस्त थे बहुत सारे, तो उनसे लेके, और स्कॉलरशिप्स मिलता था हम लोगों को बहुत सारे, ठीक है। स्कॉलरशिप्स का पैसा लगा के मैंने किया थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च, थर्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। एक कहावत है कि इंजीनियर सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के, तो इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल, मतलब काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी, मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब काफी अच्छा लगा जान के। तो अभी जब आपकी जर्नी यहाँ तक पहुंच गई है, लाइक आप अभी महीने का 10-15-20 आप पहुंचते हैं इन रेवेन्यूज इन लैक्स में, तो हाउ डू यू फील कि भाई मतलब अभी लाइफ कैसे चल रही है, मतलब हाउ डू यू फील कि भाई अभी सब कुछ स्टेबल है, कैसे लाइक आप डिसीजन ले सकते हो, आप चीजें कर सकते हो, ये कैसे आपको हेल्प करता है एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग? एक चीज़ है ना, आप जिस लेवल पे भी पहुंच जाते हैं आपको लगता है कि आपने कम अचीव किया, आपको एक बड़ा टारगेट हमेशा दिखता है कि अभी मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ उसको अचीव करने के लिए। अभी मैं अपना अगर टारगेट की बात करूँ तो मेरा टारगेट है मंथली 1 crore का रेवेन्यू जनरेट करने का फ्रॉम आवर एजेंसी, ठीक है। तो उसके लिए जो जो एक्शंस है वो मैं ले रहा हूँ, अभी उस एक्शन को लेने के लिए जो टास्क है मेरे पास, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ ना, टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है, पब्लिक स्पीकर, और कहाँ कहीं मैं स्पीक करूँ, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होता है, जहाँ पे मेरा ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस। जैसे मेरा टारगेटेड ऑडियंस हुआ D2C ब्रांड्स, ई कॉमर्स ब्रांड्स।
तो वो हुआ फर्स्ट थिंग। उसके लिए मुझे अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज अ थिंग जहाँ पे मुझे डर लगता था, हालांकि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर चुका हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जब मैंने किया वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि चलो मैंने कुछ किया, इतने लोग के सामने मैंने कुछ किया। उसके बाद मुझे उनको उनके पास अगर मैं अचीव अपने आप को प्रेजेंट करूंगा तो वो लोग कुछ लगभग सोचिए 100,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं अगर आपको D2C ब्रांड्स के एग्जाम्पल दूँ, कुछ सोचिए केविन केयर, रेज कॉफी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कुछ कुछ हम लोग क्लाइंट्स भी हैं। तो उनके सामने बात करने के लिए आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल होना होगा, आपका वर्थ उनको पहचान में आना चाहिए कि यस दिस इज अ पर्सन दैट टॉक्स नाइसली एंड कैन बी क्लोज्ड। ओके, तो इस तरीके से मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जहाँ पे मैं हूँ उसके आगे का चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी कि कैसे मैं वहां तक जाऊँगा, और वहां तक जाने के लिए मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, खुद को मैं रेडी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी भी सही चीज लगती है कि आपने जो इस लेवल पे आपने अचीव किया है, और यहाँ पे आप काफी फील करते हैं कि लाइक मेरे को और आगे जाना है। मतलब ये काफी सही चीज होती है, हमेशा गोल्स बनाने चाहिए और आदमी को उस पर चलना चाहिए, राइट। सो अभी सैमी, आपको फर्स्ट सक्सेस आपकी कब मिली थी? लाइक आपका पहला क्लाइंट कब क्लोज हुआ, बड़ा क्लाइंट जिसको आप कह सकते हो कि मेरा इट्स अ गुड क्लाइंट फ्रॉम US और कोई भी, इंडिया में भी हो सकता है, तो कब क्लोज हुआ और कैसे क्लोज हुआ? लाइक उसके पीछे आपने क्या मेहनत किया? जी। तो इसके पीछे मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। आपको याद होगा मैंने 2021 में आपसे कोचिंग क्लासेस लिए थे अबाउट ब्रांडिंग एंड ऑटोमेशन। तो ब्रांडिंग मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया है कि कैसे आप पहले, क्योंकि हम लोग पहले जो चार्ज करते थे ना क्लाइंट्स को, अगर आप देखिए ना 4-5 हज़ार पर मंथ, 4-5 हज़ार भी मांगने के लिए ना बहुत मेहनत लगता था, और कुछ कुछ तो पे नहीं करते थे, चले जाते थे। तो 4-5 हज़ार से अगर हम लोग अभी 3.5-4 लाख पे कर ले रहे हैं क्लाइंट से, तो वहां तक पहुंचने के लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आप को, अपना ब्रांड को एज अ पर्सनल ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट करना, बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है, स्पेशली थ्रू कोचिंग कॉर्स, जो अभी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, उनसे नॉलेज लेना। तो फर्स्ट थिंग ब्रांडिंग, जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प किया है कि कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल कर सकूँ ताकि एक बड़े क्लाइंट को पिक कर सकूँ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, पहले हम लोग क्लाइंट उठाते थे 4-5 हज़ार पर मंथ, अभी हम लोग क्लाइंट उठाते हैं जो हम लोग को पे करते हैं 3,000-4,000 वन टाइम, ठीक है। उसमें उनका पैकेजेस रहता है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स का। तो हम लोगों ने जो सबसे बड़ा क्लाइंट उठाया वो US से था, और ये भी आया है वो ही अप्रोच्ड अस, वी डिडंट अप्रोच हिम। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांडिंग के लिए कि क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है, आप उनको डायरेक्ट आउटरीच नहीं कर रहे। तो वो आया था मेरे यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि मैं क्या करता था ना, जो भी जितना भी हो रहा है क्लाइंट्स का रेवेन्यू, क्लाइंट्स का कैसे हम लोग स्ट्रैटेजीज यूज करें, वो अपना यूट्यूब चैनल पे पुट करता था कि देखो ये क्लाइंट इतना किया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे, अभी भी शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो उससे वो क्लाइंट अट्रैक्ट हुआ, और वहाँ पे हम लोग ने मीटिंग स्केड्यूल किया, मीटिंग में आई डायरेक्टली सैट ऑन द मीटिंग एंड क्लोज। अभी तो मैं नहीं बैठता हूँ, अभी बहुत लोग हैं जो बैठते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया है। बिल्कुल, मतलब YouTube आपके लिए एक फर्स्ट आप कह सकते हो कि अचीवमेंट हासिल करने में उसने आपको हेल्प किया, पहला क्लाइंट क्लोज करने में। जी जी तो जी अभी आप YouTube पे जो कंटेंट बनाते हैं वो हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, या फिर कोई एक निश सेगमेंट, मतलब लैंग्वेज कौन सी है और निश कौन सा है? जी 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 तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना अपने यूट्यूब चैनल अराउंड 2019 में, तब मैंने अपना पूरा जर्नी डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया कि चलो मैं कितना कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, सब कुछ। वो मैंने स्टार्ट किया था हिंदी में। तो स्लोली मैंने ये रियलाइज किया मेरा टारगेटेड ऑडियंस है, जहाँ पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अगर हिंदी में कॉन्टेंट बनाऊँ तो सर्विस मुझे बहुत प्रोवाइड करना पड़ेगा, कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हाई टिकट मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो वो मैंने रियलाइज किया थ्रू, मैंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह लॉन्च किया था तब, जहाँ पे मुझे ये दिखा कि हाँ मैक्सिमम परसेंटेज है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो अच्छा हाई टिकट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जो लो टिकट है में कन्वर्ट हो रहे हैं वो मैक्सिमम हिंदी स्पीकिंग है। तो ये बिजनेस रन करने के लिए ना उनको इंग्लिश का एक अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। तो मैंने वहां से अपना ट्रांजेक्शन कर दिया तो कंटिन्यूअसली थ्रू इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में मेरा कंटेंट जाता है, लगभग 1-2 साल से इंग्लिश में ही जाता है। टारगेट ऑडियंस इंडिया में भी है, क्योंकि इंडिया में अगर आप जाएंगे साउथ साइड, वहाँ पे मैक्सिमम लोग ई कॉमर्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और US में। तो ये दो सेक्टर को टारगेट करने के लिए मैंने अपना कंटेंट इंग्लिश में डालना स्टार्ट किया, और इट इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स।
बिल्कुल। तो जैसे मैंने वही पूछा आपसे कि आपने बताया ई कॉमर्स के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, अगर हमको अपने बिजनेस के लिए भी ई कॉमर्स के क्लाइंट्स चाहिए तो हाउ वी कैन डू दैट, क्या अप्रोच होनी चाहिए? जी। तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, पहले तो कोई हम लोगों को जानता नहीं था, तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्ट किया थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, कि चलो अपने आप को फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे सेम नीश में ऑडियंस है। तो तब ना फेसबुक, अभी भी है बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स, तो वहां पे जाके हम लोगों ने अपने आप को ज्वाइन किया और वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली हम लोग पोस्ट करते थे हेल्पफुल कंटेंट। उसके बाद जो कंटेंट में एंगेज होता था या फिर दूसरे लोगों का सेम रिलेटेड पोस्ट में एंगेज होता था, उनको डायरेक्ट मैसेज करते थे और उस मैसेज में हम लोग वैल्यू पुट करके मीटिंग स्केड्यूल करते थे। क्योंकि ये नीश इतना छोटा है ना, बहुत माइक्रो नीश है, यहाँ पे आपको बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे और बहुत कम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने उस तरीके से इनिशियली फ्यू क्लाइंट्स उठाए। अभी सेम प्रोसेस चलता है, लेकिन अभी क्योंकि ब्रांडिंग हम लोगों ने स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे ट्राई किए हैं, तो अभी वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया, लेकिन वो प्रोसेस अभी भी हम लोग करते हैं। दूसरा एक स्टेप हम लोग करते हैं लूम वीडियो अप्रोच। तो हम लोग अभी डेटा खरीदने के लिए बहुत जगह से मिल जाता है, जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो हम लोग जाते हैं कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको अमेजोन सेलर्स का डेटा प्रोवाइड करते हैं कि चलो दिस इज अ सेलर इन US, तो वो बल्क में डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, इमेज भेजते हैं लूम वीडियो बना के। वी हैव अ टीम जो लगभग 3 से 4 मिनट का लूम वीडियो बनाते हैं। इस लूम वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, सोचिए कि अमेजोन प्रोडक्ट है जो वो ब्रांड का है जिसे हम लोग देख रहे हैं एज अ क्लाइंट कि हाँ चलो इसको एज अ क्लाइंट लेना है। तो वो जो अपना टीम मेंबर है वो लूम वीडियो बनाती है डिस्क्राइबिंग क्या क्या उनका गलतियां हैं या फिर कहाँ का वो इम्प्रूव कर सकते हैं। वो वीडियो हम लोग ईमेल में सेंड करते हैं और एक मीटिंग लिंक रहता है, कैलेंडरली लिंक हम लोग देते हैं ताकि वो बुक कर सके। 2-3 फॉलोअप लगता है, लेकिन यहाँ पे ओपन रेट बहुत बेहतर है। हम लोग ट्रैक करते हैं, मेल ट्रैक यूज करके ट्रैक करते हैं कि ओपन रेट कितना है, रीड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे ओपन रेट हम लोगों ने जब फर्स्ट स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट हम लोग ओपन रेट था लगभग 70-90%, जो बहुत अच्छा था। अभी ओपन रेट में से कन्वर्शन लगभग बहुत कम है, स्टार्टिंग में हम लोगों को 0.5 से 1% का कन्वर्शन आ रहा था। अभी थोड़ा बहुत बढ़ गया है क्योंकि अभी जो फॉलोअप का प्रोसेस है वो भी थोड़ा लेंथन हो चुका है, कि अभी अगर देखेंगे आज हमने अप्रोच किया, कंटिन्यूअसली 1-2 महीने फॉलोअप करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो क्लोज होंगे, मल्टीपल 1-2 मीटिंग्स के बाद क्लोज होंगे। कि सर्विस का जो चार्ज है वो भी ज्यादा है, अगर आप देखेंगे $3,000-4,000 वो भी थोड़ा ज्यादा है, तो क्लोजिंग साइकिल भी थोड़ा लंबा हो गया अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी आपको मेहनत लगती है। मुझे पता है हम सब भी क्लाइंट क्लोज करते हैं तो हमको पता रहता है कि कैसे क्लाइंट के साथ डील करना होता है, कैसे फॉलोअप्स पे करना होता है, राइट? तो मतलब अब किसी को भी अगर फर्स्ट क्लाइंट लैंड कर रहा है तो उनको यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा। लाइक आपको अगर पैसा आप ऐड पे नहीं खर्च करना चाहते हो तो आपको ऐसे ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे, उनको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक प्रोसेस बना लो कि एक प्रोसेस होगा, बंदा आप उन आपके जो भी आपने इनपुट्स दिए हैं, वैल्यू ऐड की है, उसको देखेगा, उसके बाद आपके पास आएगा, आप उसको जूम कॉल पे लेके आओ, डिस्कवरी कॉल पे लेके आओ, देन आप फॉलो अप सीक्वेंस उस पर लगा दो। मतलब फॉलो अप लेते रहोगे, क्या हुआ, कैसे, क्या जी चीजें, जी जी राइट? तो ये सारी चीजें करने से आएंगी। मतलब ब्लूप्रिंट तो देखो आप जितनी भी वीडियोस देखते हो यहाँ पे सब सेम ही रहती है, काइंड ऑफ सबका प्रोसेस सेम रहता है। अब ये सेम इसलिए रहता है क्योंकि ये चीजें, यही चीजें काम करती हैं, राइट? तो सैमी, अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लोगों की, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री वालों के पास पैसा तो बहुत होता है, मतलब क्योंकि पैसा उनके पास आता रहता है। तो अब उनके लिए हमें अगर कोई ऑफर बनाना है, ऑफर क्रिएशन कैसे करें, या फिर कोई सर्विस को पैकेज कैसे करके उनको बेचें, क्योंकि अब हम, चलो हमें सब कुछ आता है, अब उनके लिए हम क्या बेच सकते हैं, क्या ऑफर क्रिएशन कैसे बना सकते हैं? जी। तो इस ऑफर क्रिएशन में ना हम लोगों को बहुत टाइम लग गया ये डिसाइड करने में कि कौन सा ज्यादा कन्वर्ट होगा। बहुत सारी चीज हम लोगों ने टेस्ट किया, जैसे मैंने बताया था हम लोगों ने स्टार्ट किया था मंथली रिटेनर फीस 4,000-5,000, उसके बाद 10,000 हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ऑडियंस को सेगमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब टाइम जाता है ना, लगभग 5-6 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं, तो हम लोगों ने पूरा कस्टमर का पूरा फनल समझ लिया कि कस्टमर जर्नी कैसा है। वो बिगिनर रहता है, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस, उसके बाद दूसरे क्लाइंट्स है जो फंडेड रहते हैं। जिनके पास फंड नहीं रहता वो अलग टाइप से बिहेव करता है। जैसे अगर मैं बिगिनर का एग्जाम्पल दूं, उनको अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे चलो मुझे 1 लाख पे करो, तो वो घबरा जाएंगे कि कैसे मैं पे करूंगा। लेकिन उनको मैंने, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया फनल, एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने उनको वैल्यू देना स्टार्ट किया, चलो आप अभी स्टार्ट करने वाले, ये मेरा एक छोटा सा ट्रेनिंग है, इसको देखिए। और वो ट्रेनिंग में इतना वैल्यू मिलता था उनको, वो उस लेवल से, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे जाते थे। ठीक
ठीक है, ये वो बिगिनर का पार्ट, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी सर्विस का बात करेंगे ना, सर्विस हम लोगों ने क्विकली ये देख लिया कि मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हम लोग के पास आ रहे हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, ना तो एडवांस्ड है ना तो बिगिनर है। जो इंटरमीडिएट है ना, उनका सीखने का चाहत बहुत ज्यादा रहता है कि चलो मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ, जो वो कर रहे वो 4 करोड़ 5 करोड़ अगर महीने का कमा रहे, मैं अगर 10 लाख 20 लाख कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, कैसे मेरा और इम्प्रूव हो सकता है, तो वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पैकेज ऐसे करना स्टार्ट किया, उनको बताना स्टार्ट किया, देखो आपको रिजल्ट 1 महीने में नहीं मिलेगा, मिनिमम 2-3 महीना आपको रिजल्ट के लिए चाहिए। तो हम लोगों ने पैकेज ऐसे किया कि चलो 3 मंथ्स का पैकेज किया, जो अगर मैं एग्जाम्पल दू 3 मंथ्स का पैकेज अराउंड 57-60,000। उसके बाद हम लोगों ने किया 6 मंथ्स पैकेज, उसके बाद किया 12 मंथ्स पैकेज, 18 मंथ्स पैकेज। और 18 मंथ्स पैकेज को अगर आप मंथली डिवाइड करेंगे वो बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि वन टाइम होता है तो वो एक डिस्काउंटेड प्राइस में उनको मिल जाता है, और वो वन टाइम हम लोग के पास भी आ जाता है जो कैश फ्लो के लिए अच्छा होता है, मार्केटिंग में हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 3 मंथ्स पैकेज, 6 मंथ्स पैकेज, और जो पे कर रहे हैं ना वो वन टाइम आपको एक बार में पहले पे कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी बेहतर है जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका भी एक फंड आ जाता है जिससे आप एक्सपेंसेस जो भी है, या फिर मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं और ब्रांडिंग अगर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने पैकेज किया। दूसरा चीज है, ये हुआ अमेजोन सेलर्स या ई कॉमर्स सेलर्स जो है इंटरमीडिएट लेवल पे। नेक्स्ट जो आ जाता है, हम लोगों ने जो देखा है, जो एडवांस होते हैं या फिर जो फंडेड होते हैं, वो जनरली ना मंथली रिटेनर पे क्लोज होते हैं, और उनका मंथली रिटेनर अच्छा खासा रहता है, जैसे 50,000 से स्टार्ट करके 2 लाख तक मंथली रिटेनर इंडियन क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो पर मंथ। और अगर आप परसेंटेज शेयर भी करना चाहते हैं, जैसे सोचिए हम लोग कुछ कुछ क्लाइंट के साथ ऐसे किए हैं कि एड स्पेंड के ऊपर, क्योंकि उनका एड स्पेंड बहुत ज्यादा रहता है, कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ का मंथली एड स्पेंड रहता है, क्योंकि वो फंडेड रहता है, वो खर्चा करते हैं बहुत ज्यादा। तो परसेंटेज हम लोगों ने चार्ज करना स्टार्ट किया ऑन एड पर एड स्पेंड मंथली बेसिस प्लस एक नॉर्मल रिटेनर फीस। तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करते थे 49,000 नॉर्मल रिटेनर फीस, और उसके बाद 1% ऑफ एड स्पेंड डिपेंडिंग ऑन कितना वो स्पेंड कर रहे। कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 1 लाख 2 लाख तक मंथली मंथली रिटेनर फी दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। तो जो फंडेड होता है, एडवांस होता है, वो जनरली रिटेनर पे क्लोज होता है। बिल्कुल, मतलब देखो अभी ये तो समझ में आ गया कि ऑफर आप मल्टीपल टाइप से बना सकते हो, 1 टाइम, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, जी है ना, 2 साल, जो भी आपको लगे। और फंडेड स्टार्टअप्स, अच्छा फंडेड स्टार्टअप्स को कैसे रीच आउट करें, मतलब लोगों का अब क्वेश्चन ये होगा ये जानने के बाद कि हम फंडेड स्टार्टअप्स कैसे ढूंढें, अगर जरूरी नहीं ई जी। कॉमर्स के ही हो, मतलब कोई भी बिजनेस हो, मतलब उसको फंड मिला हो, सैस में हो गया कोई, तो कैसे हम उसको रीच आउट करें, मतलब कुछ ऐसा अप्रोच है या फिर कोई ऐसी जी स्ट्रेटजी है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जी तो हम लोगों का ना एक अपॉइंटमेंट सेटर है, जो क्या करते हैं, मेरा प्रोफाइल है एंड मैं जो को-फाउंडर है संदीप जी, उनका प्रोफाइल है लिंक्डइन का, और लिंक्डइन में वो ज्यादा रहते हैं, कहीं और पे आपको रिप्लाई नहीं मिलेंगे। तो लिंक्डइन में हम लोग क्या करते हैं, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, और मैक्सिमम केसेस में एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि अपना प्रोफाइल अभी अच्छे से बिल्ड है। ठीक है, तो प्रोफाइल में हम लोगों ने अच्छे से ब्रांडिंग करके रखा है, कहाँ का हम लोगों ने फीचर हुआ है, कहाँ पर स्पीक किया है एज अ स्पीकर, वो सब वहाँ पे है। तो कोई भी अगर आता है तो देख सकता है कि हाँ चलो ही इज अप्रोचिंग अस, ही हैज सम वैल्यू टू गिव। तो उस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं सिंपली, हाई वी आर इन दिस स्पेस फॉर 6 ईयर्स, वी हैव डन अ स्मॉल स्टडी अबाउट अ ब्रांड, अबाउट योर ब्रांड, वी वुड लाइक टू शो इट टू यू। तो इस तरीके से फर्स्ट मैसेज हम लोग डालते हैं, उसके बाद उनका कुछ रिप्लाई आता है जनरल केसेस में, और रिप्लाई ओपन रेट बहुत ज्यादा है, रिप्लाई रेट भी बहुत ज्यादा है इस केस में। रिप्लाई आता है और जो अपॉइंटमेंट सेटर है वो एक मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, और मीटिंग में मेरे जो कोफाउंडर वो जाते हैं, एक हम लोग का एक पीपीटी बना हुआ है नॉर्मल टेम्पलेट, उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑन दैट ब्रांड, और वो प्रेजेंट हम लोग करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, जो फंडेड कंपनीज है इनका जनरली को फाउंडर फाउंडर भी आ जाते हैं मीटिंग पे, प्लस जो उनका मार्केटिंग डायरेक्टर है वो भी आ जाते हैं, लेकिन इनका फॉलो अप प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्रेजेंट किया वो जाके 1 हफ्ते में क्लोज हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि लगभग 1 महीना 2 महीना हम लोगों को लगा एक एक क्लाइंट क्लोज करने में। लेकिन क्या होता है ना कि जब वो बंदा क्लोज हो जाता है, उसके बाद फिर रेफरेंसेस से भी काफी सारे क्लाइंट होते हैं जो जी जी इंस्टेंट जी क्लोज होते हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मतलब हम भी काफी करते हैं, हमने भी काफी, अभी करेंटली वी आर मैनेजिंग बहुत बड़ा नंबर, अभी वीडियो में नहीं बताएंगे, तो हमारे पास भी काफी अच्छा, अपन भी कर रहे हैं। तो देखो हमारे साथ क्या हुआ है कि लाइक एक स्ट्रेटजी में जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपका टारगेट सेक्टर है, निश है, उसके कोई इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो और
उनको देखो कि उनके पोस्ट पे जो लोग कमेंट करते हैं वो भी उसी इंडस्ट्री में ही इंटरेस्टेड लोग होते हैं, तो आप उनके कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो या फिर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन पूछने के बाद उनको लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फिर वहां से वो क्लोज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ये भी हमने किया है और हमारे लिए काफी अच्छे क्लाइंट्स क्लोज हुए। तो सैमी, अभी ये तो काफी अच्छी चीज आपने बताई कि आपके पास पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और क्लोज करते हैं क्लाइंट को। अब क्लाइंट को जैसे कॉल पे आपने बोला कि कॉल पे आया, तो फर्स्ट कॉल पे आप उसको मतलब क्या सिर्फ बताते हैं गलतियां बताते हैं, राइट? मतलब फर्स्ट कॉल पे तो नहीं क्लोज होगा, वो डेफिनेटली नहीं होता है। तो फॉलो अप में क्या लगता है कि आप फॉलो अप लेते लेते उसको फिर से कॉल पे लेके आते हो, या फिर कोई ईमेल का सीक्वेंस चलता है, या फिर आप व्हाट्सएप पे फॉलो अप लेते हो, कहाँ पे फॉलो अप लेते हो, फॉलो अप का प्रोसेस क्या है आपका? जी, जनरली जो पीपीटी हम लोग बनाते हैं ना, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में हम लोग कंपेयर करते हैं उनका एंड उनका जो टॉप कंपेटिटर उनके साथ, ठीक है। और इसके बाद जो फॉलोअप हम लोग जनरली आफ्टर एवरी 10 डेज करते हैं, एक नॉर्मल फॉलोअप है जहाँ पे हम लोग पीपीटी का लिंक देते हैं एंड जो एनालिसिस हम लोगों ने किया एक शीट में डाल के वो वहाँ पे दे देते हैं। एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जहाँ पे पूरा एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको अपना ब्रांड करके वहाँ पे उनको डाल देते हैं। उसके बाद हर एक 10 दिन में एक नॉर्मल फॉलोअप मैसेज जाता है कि हाई, होप यू आर गुड, नॉर्मल फॉलोअप, नथिंग वेरी सेल्जी, एग्रेसिव नहीं है, नॉर्मल। क्योंकि जो अप्रोच हम लोग कर रहे हैं ये डिसीजन मेकर शायद नहीं है, ये दोबारा जाएंगे इनके ऊपर जो है जो मार्केटिंग लीड है या फिर डायरेक्टर है उनसे परमिशन लेके अब हम लोगों को ये ऑनबोर्ड करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 10 दिन का एक फॉलोअप सीक्वेंस रहता है, हर एक 10 दिन तक, एक एक 2 महीने तक चलता है। और कुछ कुछ केसेस में वो दोबारा आते हैं, दोबारा स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपना ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड जो मीटिंग होता है ना वहां पे वो क्या करते हैं, हम लोग जनरली हम लोगों को एक्सेस देते हैं उनका अकाउंट का, व्यू एक्स, और वो बोलते हैं कि देखो ये अपना डेटा है, आपने तो एक जनरल एस्टिमेटेड डेटा के ऊपर काम किया, ये अपना डेटा है, इसको देके आप थोड़ा एक स्ट्रैटेजी बताइए कैसे आप हेल्प करेंगे। ये जनरल केसेस में होता है, लगभग 30-40% केसेस में इस तरीके से होता है। और जिसमें नहीं होता है वो कन्विंस हो जाता है फर्स्ट कॉल में ही, लेकिन फॉलोअप लगता है। फॉलोअप में उसके बाद ईमेल पे होता है पूरा सीक्वेंस, ईमेल पे। व्हाट्सएप में वो ज्यादा रिप्लाई आता नहीं है, कॉल्स में भी ज्यादा वो लोग पिक करते नहीं है, मैक्सिमम वो ईमेल पे ही होता है। ओके ओके, तो अभी फॉलो अप के बारे में हमने जान लिया कि कैसे आप फॉलो अप करते हैं। तो अभी कुछ टूल्स आप बताइए जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे बीच में अभी आपने मेंशन किया था टूल्स हम यूज करते हैं, तो क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट्स को लेने तक लाइक ऑनबोर्ड करने के लिए, या फिर पूरा प्रोसेस में जो टूल्स आपको याद हो अभी, जी। मतलब बोलते हैं ना कि अभी याद हो जो आप, क्योंकि आपको सोचना ना पड़े क्योंकि आप डेली बेसिस पर उसको यूज कर रहे हो, तो वो टूल्स आप बताइए या हमारे ऑडियंस को। जी, फर्स्ट मैं तो बताऊंगा लिंक्डइन में हम लोग यूज करते हैं apollo.io। ये टूल आपको डेटा स्क्रैप करके दे देता है बहुत बेहतरीन वे में। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वहां पे एक अच्छा खासा आपको लिस्ट भी बन जाता है कि चलो इनको मुझे अप्रोच करना है। तो ये हुआ फर्स्ट चीज। सेकेंड, हम लोग जो ईमेल भेजते हैं बहुत सारे केसेस में व्हाट्सएप में क्या है आपको पता चल जाता है कि रीड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल ईमेल अगर डिलीवर होता है, अगर डिलीवर नहीं होता है, रीड होता है या फिर रीड नहीं होता है, अगर कितने टाइम रीड होता है, कितने बार उन्होंने ओपन किया है, ये बता देते हैं मेल ट्रैक। मेल ट्रैक बहुत चीप सॉफ्टवेयर है, शायद $1-2 पर मंथ में आ जाता है। मेल ट्रैक हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्रैकिंग दिस। और उसके बाद कैलेंडरली, जो मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, और जहाँ पे आप एक लिंक दे देते हैं, क्लाइंट जाके बुक कर सकते हैं उनके टाइम के हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा। ये बहुत एक अच्छा टूल है क्योंकि ये ना अगर कोई US क्लाइंट है तो उनके टाइम जोन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, जो बहुत बेहतर है। कैलेंडरली के बाद हम लोग जो ईमेल के लिए यूज करते हैं, एक्टिव कैंपेन्स यूज करते हैं फॉर ईमेल्स। उसके बाद जी इतना ही होगा शायद, और ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना ही होगा शायद। बिल्कुल, मतलब अभी जैसे इसमें से काफी सारे, मतलब काफी के सारे ही मैं भी यूज करता हूँ, जी। तो अभी एक्टिव जैसे कैंपेन शायद आपने ही सजेस्ट किया था मुझे हाँ, मतलब क्यों होगा, मैं काफी टाइम हो गया था मेरे को याद बहुत नहीं पहले। है। हाँ, जी। तो अभी थोड़ा सा हम सब ये डिस्कस करते हैं कि चलो हमें ये पता चल गया कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, क्लाइंट्स को फॉलो अप कैसे लेना है, टूल्स आप कौन कौन से यूज कर रहे हो। अब अगर हम बात करें क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए कुछ टिप्स या स्ट्रेटजीज, कि क्लाइंट अगर हमारे पास आया है उसको क्लोज करना हमें, तो क्या स्ट्रेटजीज या फिर कैसे उससे बात करें कि वो क्लोज हो जाए।
कई बार हमारे बहुत लोग क्लोज नहीं कर पाते, सबकी प्रॉब्लम होती है कि भाई आया क्लाइंट कॉल पे बट वो क्लोज नहीं हो रहा, वो चला गया, फिर वो बोला ठीक है बताते हैं बताते हैं। तो क्या स्ट्रेटजीज अपना है सो दैट हम क्लाइंट को ऑन द कॉल या फिर कॉल के एक दो फॉलोअप में हम उसको क्लोज कर लें? जी, तो यहाँ पे ना मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं क्लोजिंग में बिल्कुल बेहतर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा लक इतना अच्छा है, माय को-फाउंडर इज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, वेरी गुड हाई टिकट क्लोजर, और अपना जो सेल्स डायरेक्टर है ही इज रियली गुड इन फोन सेल्स। तो जो मैंने बताया कि एडवांस लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल, वो ज्यादातर फोन्स पे क्लोज होते हैं, जो अपना जो सेल्स डायरेक्टर है सनी, वो जनरली वो देखता है, और उनके पास पूरा स्क्रिप्ट बना हुआ है अभी, क्योंकि वो हम लोग के साथ लगभग 3-4 साल से हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्सेज टू सर्विस एवरीथिंग, ही हैज गुड नॉलेज इन टू इट, और वो अभी एक अच्छा खासा टीम भी मैनेज कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। जो बात करते हैं D2C ब्रांड्स, ये जनरली उतना ज्यादा एग्रेसिवली आप क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर नॉट द डिसीजन मेकर, वो मालिक नहीं है जो आज जनरली कॉल पे आते हैं, तो उनको ज्यादा एग्रेसिवली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स दिखाते हैं कि देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो इतने सारे कीवर्ड्स के लिए बेस्ट सेलर बैच ले रहा है या फिर अमेजॉन चॉइस बैच ले रहा है, वहां पे आप सिर्फ 5 के लिए ले रहे हैं, ये क्यों है? तो वो इंस्टेंट ना कि ईगो वहां पे इफेक्ट करता है कि चलो ये क्या चीज़ है। ये भी शायद क्लोजिंग का कोई टिप होगा, लेकिन हम लोग इस तरीके से करते हैं, और वो फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज हम लोग ये बताते हैं प्रेजेंटेशन में, स्लाइड इस तरीके से रेडी किया हुआ है कि डिजाइन वाला एक चीज हम लोग वहां पे शो करते हैं कि देखिए आप कंप्यूटर का डिजाइन बहुत अच्छा है, आप ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में वो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते थे, और हम लोग एक दो चीज ऐसे बताते हैं, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दू, A+ कंटेंट, बहुत लोग शायद नहीं समझेंगे, अमेजोन में इमेजेस का सेपरेट एक ऑप्शन रहता है नीचे जो बड़ा बड़ा करके दिखता है, मैक्सिमम ब्रांड्स ही यूज नहीं करते, लेकिन इसमें कन्वर्शन रेट इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग ये बताते कि देखिए ये आप यूज कर रहे हैं जो आप और बेहतरीन वे में यूज कर सकते हैं, और इसमें कन्वर्शन रेट आपका इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा, तो ये उनको इंस्टेंटली क्लिक करता है। और सबसे बेहतर जो हम लोगों को काम आया ना, ये अमेजोन चॉइस वाला कीवर्ड वाला चीज, जहाँ पे हम लोग बता देते थे कि देखिए आप कंप्यूटर 200 कीवर्ड्स के लिए फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे, आप सिर्फ 50 कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहे, तो वो इंस्टेंटली समझ जाते थे कि अरे हम लोग का इतना सारा प्रोडक्ट्स है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा ब्रांडिंग है, लेकिन वो कैसे बेहतर कर सकता है। तो ये चीज मेनली हम लोगों ने यूज किया, जो अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, शायद बाद में जाके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आ रहे हैं। नहीं, काफी बढ़िया, अगर रिजल्ट ला रहे हो और चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर देखो, टाइम के हिसाब से आपको चेंज तो होना ही पड़ता है, दैट जी इज जी जी बिजनेस का पार्ट और ऑपरेशंस में आ जाती है चीजें। तो अभी हमने काफी सारी चीजें आपसे सीखी। अभी अगर हम बात करें आपकी कोचिंग और कंसल्टिंग वाली चीजों पे जो आप करते हैं, तो वो बिजनेस आपने कैसे स्टार्ट किया और उसमें आप क्या-क्या कर रहे हैं? जी तो मैंने कोचिंग कंसल्टिंग मैंने स्टार्ट किया था 2019 या 20 में, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, आपका इंडिया में तब कोई अपसेल्स ऑर्डर बम्स यूज़ नहीं करता था, और कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं आता था, क्योंकि क्लिक फनल्स तो काम नहीं करता है पेमेंट गेटवे से इंडियन, तो मैंने ई कॉमर्स, कार्ट फ्लो, ये सब यूज़ करके एक अच्छा खासा ऑफर बनाया, और ऑफर इतना अच्छा कन्वर्ट हुआ, मतलब एड स्पेंड मैं जो कर रहा हूँ, तब मैं 99 का एक ऑफर पिच करता था जो एकदम वन टाइम ऑफर है फ्रंट एंड के लिए, तो उस ऑफर में एक 4 डेज का कोर्स जाता था, ठीक है, हर एक दिन 4 दिन तक ईमेल जाता है, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 4 में पिच होता था नेक्स्ट प्रोडक्ट का, तो 99 का हम लोग कोर्स सेल कर रहे थे फर्स्ट इनिशियल, और उसमें मेरा जो एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा था वो लगभग आ रहा था 300 to 400 रुपीज, तब तब इतना आना नहीं चाहिए, अभी तो शायद ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा है अभी। और वहां पे क्या हो रहा था, जो ऑर्डर बम था वो था, फर्स्ट था 499 रुपीज का, सेकेंड जो था वो चेकआउट पेज में ऑफर था वो था सेम 499 रुपीज में। मेरा क्या हो रहा था, मेरा ऑफर वहीं पे ही ब्रेक इवन हो रहा था, तो ये बहुत अच्छा चीज रहा, क्योंकि हम लोग लगभग स्पेंड कर रहे थे तब 5-6 लाख पर मंथ एड्स पे स्पेंड कर रहे थे सिर्फ उसी ऑफर के ऊपर, क्योंकि वो बहुत अच्छा कन्वर्ट हो रहा था। और उसके बाद वो लगभग हम लोगों ने 1-2 साल तक रन किया, वहाँ पे फर्स्ट 99 रुपीज का इनिशियल था, उसके बाद हम लोगों ने 20,000 का कोर्स पिच किया था विथ मेंटोरशिप, उसके बाद एक वन ऑन वन मेंटोरशिप था जो लगभग 50,000 का था, तो ये वहाँ पे खत्म हो गया था, मतलब वहाँ पे फनल एंड हो गया था। उसके बाद मैंने उसको स्टार्ट किया, उसको नॉर्मल रखने दिया, ऑटोमेशन पे लगभग हो रहा था, ज्यादा हम लोगों ने स्पेंड नहीं किया, मतलब स्पेंड करना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि आई वॉज स्टार्टेड टू फोकस इन दिस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री।
तो उसको करते करते लगभग 1-2 साल रन करने के बाद मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट जा रहा था और उतना इंटरेस्ट कैच नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोगों ने सर्विस स्टार्ट किया तो उसमें लगभग 2-3 साल का अब देखेंगे गैप आ गया, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग उससे लेके सर्विस स्टार्ट करने तक। तो अभी क्या हुआ ना, जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया वो कन्वर्ट होना स्टार्ट किया अपना सर्विसेज के लिए। तो उनका, क्योंकि वो तब बिगिनर थे लेकिन अभी वो इंटरमीडिएट पे आ चुके हैं, तो अभी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था मेरा सर्विस के लिए, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली वो लोग कम्युनिटी में थे मुझे जानते थे, वो बहुत कम आने लगा। मैं मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करता था अभी भी सर्विस के लिए, सर्विस बेस के लिए मार्केटिंग नहीं करता, जो पॉडकास्ट वगैरह होता रहता है वो तो चलता रहता है, तो अभी भी सर्विस में कोई मार्केटिंग नहीं जाता है। तो इस तरीके से जो इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था 99, उन्हीं का ऑडियंस हम लोगों का कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ फॉर सर्विसेज। तो ये एक चीज बहुत अच्छा हुआ। अभी हम लोगों ने कोचिंग एंड ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट किया, लगभग 3-4 महीने हो चुका है। अभी हम लोगों ने फिर से 99 रुपीज का ऑफर से स्टार्ट किया है। 99 रुपीज का एक फ्रंट एंड ऑफर है, चैट जीपीटी कोर्स फॉर अमेजोन सेलर। चैट जीपीटी आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम कर देता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। और एक मिनट ब्रेक वहां हो गई ना, पे तो दोबारा से लेते हैं, रुको। ठीक ठीक है, तो काफी मतलब सही है, काफी बढ़िया आपने किया। कोचिंग भी आपकी काफी सही चल रही है, सर्विसेज में आप अभी काफी ज्यादा है। तो अगर देखो, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। अगर हम बात करें अब लास्ट पे की, लाइक मार्केटिंग कैसे करते हैं आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल ब्रांड के लिए, कौन कौन से चैनल्स पे आप हैं और कितना भी मंथली स्पेंड करते हैं? लास्ट पहले आपने बताया कोचिंग में तो आप 5-6 लाख महीना स्पेंड करते थे, तो अभी कैसे कर रहे हैं और हाउ मच यू आर स्पेंडिंग? जी। तो सर्विस के लिए हम लोगों का जो मार्केटिंग चैनल है, हम लोगों ने एड्स बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं, क्योंकि ये बहुत माइक्रो नीच है ना, तो एड आपका स्पेंड होता रहता है लेकिन उस हिसाब से क्लाइंट नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने अभी दूसरा अप्रोच किया, हम लोग अभी जो स्पेंड करते हैं वो है कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे गैदरिंग होता है और वहाँ पे जाके स्पीकिंग इवेंट्स ये करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पॉडकास्ट जो ऑलरेडी ऑडियंस बना हुआ है जिनके साथ, लग मैंने आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, लास्ट मंथ लगभग मैंने 200 पॉडकास्ट किए, 200 पॉडकास्ट। मतलब इंडिया में ई कॉमर्स नीश में, अमेजोन के नीश में कोई ऐसे चैनल नहीं है जहाँ पे मैंने पॉडकास्ट नहीं किया है। तो पॉडकास्ट इज वन थिंग, क्या बात ऑडियंस है, क्या आपको जितना बात जानेगा। है। जी तो और कुछ सर्विस के लिए तो मैं नहीं करता हूँ, इंटरनेशनल पॉडकास्ट भी करता रहता हूँ और उसके लिए अभी पूरा टीम सेट हो चुका है। बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा किसी और को समझाने के लिए कि ऐसे होता है, ऐसे अप्रोच करना है, लेकिन अभी पूरा टीम बना हुआ है जो जाके अप्रोच करते हैं एंड स्केड्यूल करते हैं पॉडकास्ट। और मेरा खुद का भी पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं दूसरे लोगों को गेस्ट के हिसाब से लेके आता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बड़े होते हैं ना, डायरेक्टली आप अप्रोच करेंगे तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, तो मैं उनको पहले लेके आता हूँ, उसके बाद जाके अप्रोच करता हूँ कि वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन, आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर पॉडकास्ट एज वेल। उनका वेबिनार्स होता है, उनका वेबिनार्स, उनका इनर कम्युनिटी मीटिंग्स होता है जहाँ पे मैं जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि और जान सके। तो मैं ट्राई करता हूँ जितना मुझे लोग देख सके, जितना अटेंशन मिले उसी के लिए मैं ट्राई करता हूँ फॉर एजेंसी। बिल्कुल ट्रेनिंग एंड कोचिंग का, जी ट्रेनिंग एंड कोचिंग का मैंने, हम लोगों ने हाल फिलहाल में मार्केटिंग फिर से स्टार्ट कर दिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोगों ने जो 99 रुपीज का स्टार्ट किया है वहां पे हम लोग को 99 का सेल करने के लिए लगभग 250 से 300 का कॉस्ट आ रहा था, जो बहुत कम है यूट्यूब पे, यूट्यूब एड्स पे। और वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 7-8 दिन कन्वर्शन, जैसे हर एक दिन 7-8 आने स्टार्ट हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्डर बम्प ऐड कर दिया 49 रुपीज़ का। तो अभी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 156 रुपीज़ का है। तो अभी वो जो कस्टमर एक्विशन कॉस्ट है वो 250 से 300 से रिड्यूस होकर वो अभी आ चुका है लगभग 150 रुपये। तो हम लोगों ने लास्ट 2 दिन पहले एक और वहाँ पे एक थैंक यू पेज पे एक ऑफर डाला जो था 499 रुपीज़ का, ये चेकआउट होने के बाद शो करता है। और यहाँ पे भी कन्वर्शन अच्छा खासा आने लगा, अगर आपको डेली 10 कन्वर्शन आ रहा है तो 20% आपका वो 499 का भी परचेस करता है। तो नाउ वी आर ब्रेक इवन इन द फ्रंट एंड ऑफर। ये सिर्फ हम लोग का स्ट्रैटेजी है लीड जनरेट करने का, लेकिन लीड जनरेट करते करते हम लोग ब्रेक इवन जा रहे हैं, मतलब लीड्स का मुझे कॉस्ट ही नहीं लग रहा। अभी इसके बाद जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये कॉल्स में मेनली क्लोज होता है। ये हम लोग का एक प्रोग्राम है डन फॉर यू प्रोग्राम, जहाँ पे उसके बाद कोर्सेस है, उसके बाद ट्रेनिंग्स है जो हाई टिकट है। तो लीड्स अभी हम लोग को फ्लो मिल चुका है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे स्पेंड का मैं अगर बात करूँ, हम लोग ने स्टार्ट किया था लगभग 2 से 3 हज़ार पर डे। और एक प्रॉब्लम हम लोग का आ रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा है ना, ई कॉमर्स इज अमेजोन स्पेसिफिकली ये बहुत माइक्रो नीच है, तो अगर आप बहुत जल्दी स्केल करना चाहेंगे ना आपका एड्स को, तो
ज्यादा स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन कन्वर्शन आपका उतना आता नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे इंस्टेड ऑफ गोइंग हॉरिजेंटली वी आर गोइंग वर्टिकली, मतलब मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि ज्यादा एक एक कैंपेन को स्केल ना कर सके। तो इस तरीके से अभी कर रहे हैं, उसके बाद चेंज होगा ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मतलब हम भी ट्राई कर रहे हैं, हम सब भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वो मैं अपनी ऑडियंस को बताता रहता हूँ, मेरे चैनल पे भी मैं वीडियो जी जी पोस्ट जी करता जी रहता हूँ। और अभी हम थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा आपने बताया कि आप कैसे अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को एकदम मतलब जीरो ही कर दिया आपने, और जो लोगों को आप ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं बाद में वो सर्विस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिन लोगों को क्लाइंट्स ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलते, तो आप इस टाइप से भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अभी अगर हम बात करें बिजनेस से हट के, लाइक वेयर डू यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड होता है? जैसे आपके पीछे काफी बुक्स भी हैं, तो आप कुछ बुक्स भी पढ़ते होगे, तो कौन सी, पहले तो हम कहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो एंड बुक्स, वो दोनों अपन कवर कर देते जी हैं, जी क्योंकि जी काफी वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अपन जी जी इसको जी जी लास्ट जी फेज में जी लेके जाते हैं। जी टाइम स्पेंड मतलब वही है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी उठो एक टाइम पे, सो एक टाइम पे, कभी कभी चेंज होता रहता है क्योंकि यूएस पॉडकास्ट जब रहता है 2-2.5 बजे उठ के पॉडकास्ट करना पड़ता है। हालांकि आपका मन नहीं करेगा लेकिन डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, मैंने जब फर्स्ट 7 लाख कमाया था पर मंथ अपना कोचिंग बिजनेस से, तो मैंने गाड़ी खरीदा था, ठीक है, टाटा अल्ट्रॉस। तो 1-2 महीने मैंने जैसे चलाया ना, 1-2 महीने में मतलब लगभग 14,000 किलोमीटर रन कर लिया। तो आप, मेरा जो सामने का शीशा है ना, फ्रंट का शीशा, वो थोड़ा क्रैक ले लिया। अभी क्या होता है, अगर आपका कांच या फिर सामने को जो मेरे जो विंडशील्ड रहता है वो, उसमें क्रैक आ जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते। चाहे जितना भी छोटा क्रैक हो, एक ही ऑप्शन रहता है उसको पूरा रिप्लेस करने का। तो वही सेम इसी तरीके से है, आपका अगर कोई भी डिसिप्लिन को आप हटाते हैं तो वो बाकी डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है। तो मैं उसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ सुबह उठ के। सुबह उठ के जनरली मैं 8-9 बजे तक वही थोड़ा बहुत लिखता हूँ क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरा टाइम जनरली सोचने में ज्यादा जाता है। उसके बाद जिम वगैरह ये सब है, उसके बाद टीम के साथ बात करो, कोई अगर बड़ा क्लाइंट है तो उसके साथ मुझे डायरेक्टली बात करना पड़ता है। तो ये हुआ जनरल प्रोसेस। मैं एक कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, द अकली कॉफी, जो मेल्स एंड फीमेल्स के लिए सेपरेट कॉफी बनाता है विथ मल्टीविटामिंस। तो ये जनरली जाता है। और बुक्स का अगर मैं बात करूँ ना, ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट बुक्स है जो मैंने रीड किया है, मतलब मैंने जो पढ़ा है। इसके बाद मैंने बुक पढ़ना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ ऑडियो ऑडिबल में बुक सुनता हूँ क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है मुझे बुक पढ़ना। लेकिन ऑडिबल में बहुत सारे बुक्स हैं। ऑडियंस को मैं सजेस्ट करूँगा 10X रूल, ये बुक पढ़ें अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। और वो एक ही बुक था जो मेरा डिसिप्लिन लाइफ को चेंज कर दिया, 10X एक्शन 10X रूल्स बाय ग्रैंट कार्डन। ये बहुत बेहतरीन बुक है। ग्रैंड कार्डोन का तो काफी सारा मैंने सीरीज भी देखा है, काफी मतलब जी फॉलो जी ऑन जी करते हैं, इवन इंस्टा पे भी उन्होंने रिप्लाई अप्लाई किया, पता नहीं टीम रिप्लाई करती है वो करते हैं गॉड नो, तो डेफिनेटली टीम ही करती होगी राइट। तो देखो आप काफी, मैं भी बुक्स वुक्स पढ़ता हूँ, पहले मैं नहीं पढ़ता था, अब पता नहीं मुझे चस्का लग गया है कि मुझे चीजें समझ में आती हैं उसमें से, और वो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर लेता हूँ अपने बिजनेस से कि अच्छा मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है तो मैं कहाँ पे गलत कर रहा था और कहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो वहां से क्लैरिटी मिलती है और अपने बिजनेस में हम उन्हीं स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाकी काफी अच्छा आपने हमें बहुत सारे इनसाइट्स और अपने बारे में बताया, काफी सारे इनपुट्स और टिप्स लोगों को समझ में आए होंगे इस वीडियो से, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। तो सैमी आपका क्या मैसेज रहेगा हमारी जनता के लिए जो लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पीड बढ़ाइए, स्पीड इज़ द ओनली थिंग। स्पीड आप इंक्रीज कीजिए, जितने भी गलती हो आप रुक मत जाइए कि चलो इसको एकदम परफेक्ट करना है उसके बाद जाके हटके दूसरा चीज़ करना है। स्पीड बढ़ाइए, मल्टीपल बार कीजिए, जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना जल्दी आपको अचीवमेंट आएगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, काफी अच्छा आपने बताया और आई होप इस वीडियो से काफी लोगों की हेल्प हुई होगी। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली यहाँ तक आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो। चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में 100 से ज्यादा पॉडकास्ट हैं अभी, तो आई थिंक 150 पहुंचने वाले हैं, तो आप जाके उनको भी चेकआउट करो। और चैनल पे टोटल 700 से ज्यादा वीडियोज हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैंने बताया है, तो जाके आप उनको भी देख सकते हो, वहां से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। और बाकी अगर आपको चाहिए तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए, थैंक यू सैमी फॉर योर टाइम, इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए आपका। मिलते हैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही चैनल पे विजिट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। चलिए स्टे ट्यून, बाय बाय।